यह उन दिनों की बात है जब मैं दिल्ली के एक एमएनसी में जॉब कर रही थी। एक दिन अचानक रात के टाइम मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया और कहा कि उसकी 4 व्हीलर दिल्ली कैंटोनमेंट रोड के भूतिया इलाके में पंक्चर हो गई है। उस वक्त रात के 2 बज चुके थे। मैं तुरंत बेड से उठ गई, टूथपेस्ट से ब्रश करके मैंने अंधेरे में ही मेकअप कर लिया। फिर अच्छे वाले कपड़े पहनकर मैं अपने कार की तरफ गई। तब तक 5 बज चुके थे सुबह के। कार में बैठने के बाद मुझे याद आया कि मैं ब्रेकफास्ट करना भूल गई थी। मैंने तुरंत दरवाजा खोलकर 5-6 मिनट में किचन में पहुंच गई। थोड़ा मटर पनीर चखने के बाद मैं वापस गाड़ी में जाकर बैठ गई। गाड़ी स्टार्ट करते ही मुझे दिखाई दिया कि उस वक्त 5:30 बज चुके थे सुबह के। मैंने 62 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से गाड़ी चलाई और लगभग 35 मिनट में दिल्ली कैंटोनमेंट रोड के भूतिया इलाके में पहुंच गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी। उसी वक्त मुझे याद आया मैंने अम्ब्रेला लेना तो भूल गया। मैं वापस घर की तरफ जाकर 35 मिनट में घर पहुंच गई। तब तक 7 बज चुके थे सुबह के। इतने में मेरे फ्रेंड का फोन आया। उसने मुझे कहा कि उसने अपनी गाड़ी का टायर खुद ही चेंज किया था। अब वह घर पहुंच चुकी है।